नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में। KVS एग्जाम का मैं रिव्यू कर रही थी। कल मैंने 40 क्वेश्चन आपके लिए ऐड कर दिए थे। कल मैंने 40 क्वेश्चन ऐड कर दिए थे। आज हम करेंगे नेक्स्ट के 40 क्वेश्चन, 111 नंबर क्वेश्चन से लेके 150 तक क्वेश्चन। कल के कुछ क्वेश्चंस में, दो तीन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आए, तो मेरी भी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो उसका करेक्शन मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, जो दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ठीक है, आज के पहले हम आज के टोटल 40 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 111 से। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फिनोल। तो आपको फिनोल्स ये दे रखे हैं, कैटेकोल रिसोर्सिन और हाइड्रोक्विनोन। आपको डिक्रीजिंग एसिडिटी का ऑर्डर पूछा था, मतलब सबसे ज्यादा किसकी है फिर कम किसकी है। तो देखिए होता क्या है, फिनोल्स की जो एसिडिटी है, मैंने बताया था एसिडिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर और प्लस आई प्लस आर। मतलब माइनस आई या माइनस एम इफेक्ट जो होता है वो एसिडिटी को बढ़ाता है। अब OH जो होता है वो आपका क्या दिखाता है, प्लस एम एंड माइनस आई। तो OH बेसिकली आपके क्या दिखाता है, प्लस एम एंड माइनस आई। तो इसमें अगर आप देखें कैटेकोल में, अगर आप इसका कॉन्जुगेट बेस, मतलब कि बेसिकली जो इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती OH जो है, अगर ये फिनोल अपना हाइड्रोजन निकाल दे तो क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन। तो ये जो फिनोक्साइड है नेगेटिव, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा, इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा हाइड्रोजन निकालने के बाद बहुत ज्यादा स्टेबल होने का मतलब कि ये फटाफट हाइड्रोजन निकाल देगा। तो कैटेकोल जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, एंड उसके बाद होता है आपका रिसोर्सिनोल। क्योंकि रिसोर्सिनोल में क्या करता है, OH का माइनस आई काम करता है, प्लस एम इफेक्ट काम नहीं करता। तो प्लस एम काम नहीं करता, माइनस आई काम करता है रिसोर्सिनोल में। ठीक है, और हाइड्रोक्विनोन में OH का प्लस एम इफेक्ट काम होने के कारण, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट जो होता है, प्लस आर इफेक्ट होता है, वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होता है। ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इंटरमीडिएट बहुत स्टेबल होने के कारण ये हाइड्रोजन निकाल देता है। तो वो कैटेकोल सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर उसके बाद रिसोर्सिनोल, फिर हाइड्रोक्विनोन। चलिए बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर 111। अब बढ़ते हैं हम 112 क्वेश्चन पे। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन इन दिस ऑर्डर। तो अगर आप देखें सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन पे, तो देखिए सोडियम होता है S1 कॉन्फिगरेशन S2, एंड एल्युमिनियम जो होता है वो होता है आपका S2P1, एंड सिलिकॉन होता है S2P2। तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, सिलिकॉन की तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन जो एल्युमिनियम ग्रुप है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि S2 कॉन्फिगरेशन बहुत स्टेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोडियम की सबसे कम, सिलिकॉन की सबसे ज्यादा, फिर एल्युमिनियम की दूसरे पोजीशन पे आ जाएगी, और मैग्नीशियम की तीसरे पोजीशन, मतलब कि मैग्नीशियम सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, एल्युमिनियम थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखें तो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113। मोस्ट एफिशिएंट प्रेसिपिटेटिंग एजेंट फॉर नेगेटिवली चार्ज सस्पेंशन। देखिए नेगेटिवली चार्ज कोलाइड को सस्पेंशन करने के लिए हमें पॉजिटिवली चार्ज आयन चाहिए, एंड पॉजिटिवली चार्ज हार्डी सुलझे लो। जितना ज्यादा हाईली पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा उतना ही ज्यादा कोगुलेशन होगा। तो इसमें Al+3 है, जबकि इसमें देखें तो NaCl बनेगा। तो Na+ है, K+ है, K+ है, तो ये तीनों में +1 चार्ज है, जबकि AlCl3 में +3। तो जितनी ज्यादा वैलेंसी उतनी ज्यादा प्रेसिपिटेटिंग पावर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114। द मोलिक्यूल विच डज नॉट हैव CC बॉन्ड ऑफ इक्वल लेंथ। अगर बेंजीन में रेजोनेंस होने के कारण, साइक्लोप्रोपिल कार्बोकटायन में भी रेजोनेंस होने के कारण, एंड ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन में भी आपके रेजोनेंस होने के कारण, इन तीनों की सीसी बॉन्ड लेंथ इक्वल है। हालांकि नेफ्थलीन में भी रेजोनेंस है, तो सीसी बॉन्ड लेंथ जो होती है अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो साइड में रेजोनेंस होने के कारण इनकी तो बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, बट जो ये सेंटर के C9 एंड C10 बॉन्ड होते हैं, इनकी समवट बॉन्ड लेंथ बाकी 8 कार्बन से इक्वल नहीं होती। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं 115 क्वेश्चन पे, 115th क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन राइट साइड। राइट साइड में क्या होगा, बेसिकली इस रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन में हीट निकल रही है, तो ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड बाय डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर। 116 क्वेश्चन, आपको ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखा था, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा था, और आपसे क्या पूछा गया था कि टू सब्सटेंस हैविंग द सेम मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो मोलर एंथैल्पी पूछा गया था। मोलर एंथैल्पी क्या होगी जूल पर मोल में, अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखें तो जूल पर मोल कब आएगा, जब आप जूल पर ग्राम इंटू ग्राम पर मोल कर देंगे, ठीक है, जूल पर ग्राम और को इंटू कर देंगे ग्राम पर मोल से, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और आ जाएगा आपके जूल पर मोल। तो सबको आप 320 इंटू 80 करिए, 180 इंटू 20 करिए, 360 इंटू 30 करिए एंड 180 इंटू 60 करिए, तो देखिए 6 3 18, 3 3 9 और 1 10, तो मतलब कि इसकी आ जाएगी 108 00, और सेम 18 6 ये 8, इसको करिए 180 इंटू 60 करिए एन 180 इंटू 30 करिए, तो आप देखेंगे कि 18 48, 8 6 48 एंड 6 1 6 और 4 10, तो 108 00, तो सी और डी की जूल पर मोल एंथैल्पी सेम है, तो ऑप्शन नंबर 3। अब पर देखते हैं 117 क्वेश्चन पे, आपको कंपाउंड दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है CONH3K5Cl3, व्हेन ट्रीटेड विद AgNO3 यील्ड 2 मोल ऑफ AgCl पर मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, द नंबर ऑफ Cl, अगर आपके 2 मोल AgCl निकल रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, CONH3K5Cl3 से आपके 2 मोल माइनस 2 मोल AgCl निकल रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होगा CONH3K5, एक Cl बाहर आ गया, क्योंकि हमेशा आयनाइजेशन स्फीयर में जितने आयंस होते हैं वही आयनाइज होते हैं, ये 2 मोल AgCl देंगे, तो इसका मतलब है कि द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सिर्फ एक क्लोराइड आयन है, तो ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 118 पे, आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड दे रखा है, मतलब कि P0 दे रखा है, ठीक है, माइनस, और आपको पूछा रखा है वन व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस बी इज एडेड टू द सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर ड्रॉप्स, और आपको वेपर प्रेशर ड्रॉप्स टू 0.60 एटमॉस्फेयर, मतलब कि पी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपका आ गया 0.60, तो रिलेटिव लोवरिंग ओवर वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है P0 माइनस PS ओवर P0 इक्वल्स टू XB, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो P0 यहाँ पे है आपका 0.80, PS आपका है 0.60 ओवर 0.80, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं, सॉरी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119, द एक्वस सॉल्यूशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, द एक्वस सॉल्यूशन बॉइल्स एट 100.50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको TB सॉल्यूशन का दे रखा है, ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड TF पूछ रखा है आपसे, ठीक है, और आपको KB एंड KF दे रखा है, तो देखिए आप डेल्टा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आपको फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रखा है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऊपर रखती हूँ, चलो नीचे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल होता है, के बी इंटू एम, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके इक्वल होता है, के एफ इंटू एम, ठीक है, तो मोलैलिटी से मोलैलिटी कट गई, आपका टीबी ओवर टीएफ आ गया के बी ओवर के एफ, अब जो टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, टीबी क्या होता है आप सॉरी डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो डेल्टा टीबी आपका क्या होता है, हमेशा मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा टीबी आपका क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब टीबी सॉल्यूशन माइनस T0B, ठीक है, टीबी आपका है 100.50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T0B आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि प्योर वाटर का, तो ये आ जाएगा डेल्टा टीबी 0.50, 0.50 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF आप निकालिए, बराबर KB कितना दे रखा है आपका 0.51 एंड KF आपका दे रखा है 1.86, तो आपका यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा TF बराबर क्या आ जाएगा 1.82 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा TF, फिर उसके बाद आप देखेंगे डेल्टा TF आ गया 1.82 डिग्री, लेकिन डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है आपका कि TF0 - TF, अब यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका TF आपको निकालना है, तो
टीएफ आपका क्या आ जाएगा, जीरो, टीएफ जीरो होता है जीरो, जीरो माइनस 1.82 से आपका माइनस 1.82 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं 120, विच ओर कैन नॉट बी कंसेंट्रेटेड बाई फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से हम सल्फाइड अयस्क को कंसेंट्रेट मतलब सांद्रण करते हैं, सांद्रण करते हैं, ठीक है, तो कंसेंट्रेट किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क CuF, कॉपर पाइराइट इज CuFeS2, जिंक फ्लोरेट ZnS, सिनेबार HgS, तो कैलेमाइन जी क्या होती है, ZnCO3, तो उसको हम नहीं कर सकते। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कॉज एसिड रेन। तो SO2 तो सबसे ज्यादा मेन कारण होता है एसिड रेन का, क्योंकि वो वाटर के साथ मिलकर आपके H2SO4 बनाता है, ऐसे ही NO2 भी, ऐसे ही SO3 भी, बट जो CH4 होता है वो नहीं एसिड रेन कॉज करता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4, 3rd इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि CH4 वाटर में सोल्यूबल ही नहीं होता, तो वो एसिड रेन नहीं बनाता। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125, विच वन विल ओनली एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। N2O5 इज ओनली एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है +5, तो ये सिर्फ दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। ये फर्दर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को रिड्यूसेस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। खुद ऑक्सीडेशन होने के लिए ये फर्दर और अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, N2O5। क्वेश्चन नंबर 123, व्हाट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर में हमें चार ऑप्शन दे रखे थे, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था। तो फोर्थ इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इट हैज ए लोट ऑफ ओजोन दैट कट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द सन टू ए ग्रेट एक्सटेंट। नहीं, ये जो होता है ये स्ट्रेटोस्फियर में होती है लोट ऑफ ओजोन, जो कि हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है। अब बढ़ते हैं 124 क्वेश्चन पे, विसिनल डाइहैलाइड रिएक्ट विद मैटर टू यील्ड एल्कीन। तो विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, जिंक से रिएक्ट करते हैं और हमें एल्कीन देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1। 25, अमंगस द फॉलोइंग द एसेंशियल अमीनो एसिड, अगर हम इन चारों में देखें तो एसेंशियल अमीनो एसिड था लाइसीन। क्वेश्चन नंबर 126, 3D ट्रांजिशन सीरीज में आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, मैग्नीज में। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन हम निकालते हैं एस के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D, ठीक है। 127, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सुक्रोज। तो सुक्रोज डाइसैकेराइड है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, एंड इट इज ए रिड्यूसिंग, नहीं, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग से शुगर होती है, क्योंकि वो दोनों एनोमेरिक कार्बन ग्लूकोज और फ्रक्टोज का यूज कर लेती है, तो कोई भी कार्बन नहीं बचता, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप नहीं बचते रिड्यूस होने के लिए, तो इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग सीगर, तो ये नॉट ट्रू स्टेटमेंट था। अब बढ़ते हैं 128, कार्बन अकर्स इन नेचर एज ए मिक्सचर ऑफ एटम ऑफ विच। तो देखिए कार्बन के 100, अगर हम कार्बन माने 100% है, 100% में 98.9, तो बेसिकली 98.9 100 में से ये तो इसका मास तो था 12.00 प्लस, और अगर यदि आपको मतलब एटॉमिक वेट निकालते हैं तो हम इस तरीके से निकालते हैं, और इसके अलावा 100 में से 98.9 गए तो आपका कितना बच गया, 100 में से 98.9 गए, आपका बच गया 10 में से 9 गए 1, 9 में से 8 गए 1, 1.8, एंड 1.1 आपके है एटॉमिक वेट 13, 1.1 है आपका एटॉमिक वेट 13। तो आपका टोटल मास, अब जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका रिलेट एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना आएगा, 12.01। तो ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129, आपको पूछ रखा था, आपको इंडिकेटर की पीएच पूछी थी, मतलब पीएच पूछी थी कि जिस पे कि इंडिकेटर की कंसंट्रेशन थी 1.0 × 10³ मोलर, एंड आपके कंसंट्रेशन थी 1 × 10³ मोलर, एंड आपके के भी दे रखा था 1.0 × 10⁻¹। तो आपको चेंजेस कलर पूछा था, तो बेसिकली पी ओ एच जो होगी हैंडरसन एडलबैच इक्वेशन जब आप लगाएंगे तो पी ओ एच आएगी, पी के बी प्लस लोग सोल्ट अपॉन बेस करके, तो पी ओ एच यहाँ से आपकी आ जाएगी बेसिकली 10, तो पी एच जो आएगी वो आएगी 14 − 10 = 4, तो 4 पे ये चेंजेस कलर करेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पे, 130वें क्वेश्चन को आप देखें तो देखिए आप जो W एटम्स है वो कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे। तो
कॉर्नर्स पे क्या होता है, NC/8। तो कॉर्नर्स पे का योगदान क्या हो जाएगा, 8 कॉर्नर होते हैं तो 8/8 बराबर W कितना आ गया आपका, 1। अब आप निकालिए एंड O क्या है आपका, एट द क्यूब एज सेंटर। ठीक है, एज सेंटर पे जो होते हैं उनका योगदान होता है NE, एज सेंटर पे योगदान होता है आपका ÷4, क्योंकि वो 4 क्यूब्स को कनेक्ट करती है एक एज। ठीक है, तो NE पे एज आपकी होती है एक, अगर आप क्यूब की देखें तो एज आपकी होती है टोटल 12, तो 12 ÷4 मतलब कि O आपका आ गया 3। एंड नेक्स्ट आपका सोडियम था क्यूब सेंटर पे, तो जो क्यूब सेंटर होता है उसका योगदान होता है, वो किसी को टच नहीं करता, वो कंप्लीटली योगदान देता है 1। तो NA आ गया आपका 1, तो NaWO3 करेक्ट ऑप्शन इज 2। अब पढ़ते हैं 131, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट काइरेल। तो इनमें से काइरेल कौन सा, काइरेल मतलब कि 4 ग्रुप आपके डिफरेंट होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5, 1 क्लोरो, ये हो गया क्लोरो पेंटेन, ये 1 क्लोरो पेंटेन है। तो इसमें देखिए ये जो कार्बन है ये, दिस इज नॉट काइरेल कार्बन, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप तो डिफरेंट है बट बाकी रेस्ट 2 ग्रुप हाइड्रोजन सेम है, तो दिस इज नॉट काइरेल कार्बन। अब हम पढ़ते हैं 132, तो करेक्ट स्टेटमेंट होती है डेल्टा G0 = -2.303 RT log। नंबर 3, 133, आपको 100 ग्राम H2, 100 ग्राम O2 मैंने पहले भी मेरे जो प्रैक्टिस सेट डाले थे उसमें मैंने बताया था, एक क्वेश्चन मोल से रिगार्डिंग जरूर आना है, लिमिटिंग रिएजेंट मोल निकालने, तो देखिए आ गया। तो मिक्सचर दे रखा था आपको 100 ग्राम H2, 100 ग्राम O2 वाटर। तो देखिए सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना होता है, तो आप मोल देखते हैं H2O के, H2 के मोल कितने हो गए, वजन अपॉन अनुभार, ग्राम 100 ग्राम ओवर H2 का मोलर मास होता है 2, ये आ गया आपका 50 मोल। और अगर आप ऑक्सीजन के देखें मोल, तो ऑक्सीजन के आपके आगे 100 ग्राम ओवर 16 16 32, तो ये O2 के मोल आपके आगे 3. जस्ट ए सेकेंड, लेट मी कैलकुलेट फॉर यू। हंड्रेड डिवाइडेड बाई 32, 3.125, 3.125। तो ऑब्वियसली O2 मोल इज लेस, तो ये क्या हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट LR। अब आप लिमिटिंग रिएजेंट से देखेंगे कि 1 मोल O2 आपके कितना दे रहा है, 2 मोल H2O। ठीक है, तो 3.121 मोल, चूंकि 1 मोल कितना दे रखा है 2 मोल H2O, और आपके पास कितने हैं 3.125 मोल, तो ये कितना हो गया 2/1 × 3.125 मोल H2O। आपके H2O के मोल कितने आ गए, इसको 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.25। थ्री पॉइंट वन टू फाइव इंटू टू इक्वल्स टू 6.25, ये आ गया H2O के मोल। एंड मोल इंटू मोल बराबर वजन अपॉन अनुभार, तो मोल इंटू मोलर मास 6.25 × 18 H2O का, तो ये आपका आ गया × 18 करेंगे तो 112.5 लमसम 133 ग्राम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134। अगर CO के आपके अनशेयर्ड पेयर पूछे थे, तो CO के अगर आप लीविस स्ट्रक्चर बनाएं तो ये बनेगी, तो यहाँ पे आप अनशेयर्ड देख सकते हैं 1, 2 एंड 3। नंबर 4, 135, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज क्या होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, देखिए 2 फेज होती है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। मोबाइल फेज होती है आपकी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम यूज करते हैं इल्यूशन के लिए, वो मोबाइल फेज होती है। और जैसे लाइक एथेनॉल यूज किया जाता है मेनली वाटर में मिला के, एंड स्टेशनरी फेज होती है जो सेलुलोज में वो वाटर ट्रैप्ड होता है शीट पे, वो तो वाटर ट्रैप्ड इन द क्रोमेटोग्राफिक पेपर, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑक्साइड इज मोस्टली एसिडिक। तो इनमें से चारों में से मोस्ट एसिडिक कौन सा, एसिडिक करेक्टर हम देखते हैं, हाईएस्ट एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सबकी, इसमें आप निकालेंगे तो नाइट्रोजन की यहाँ पे +4 है, बाकी सब में जैसे NO में आपकी आ गई +2, N2O में आपकी आ गई +1, N2O3 में आपकी आ गई 2X-6
एक्स बराबर आ गई 3 और इसकी 4, तो प्लस 4 फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। 137 आपको चार दे रखे थे एनएलएमएस और आपको बताना था इम्पॉसिबल अरेंजमेंट कौन सा है। तो देखिए एन की वैल्यू 3 होगी तो एल की वैल्यू कितनी होगी आपकी 0 to n, मतलब कि 0, 1 एंड 2। एंड एम वैल्यू अगर आगे एन 3 है तो एल हो गया मान लो 2, तो एम की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 के लिए -2 -1 0 +1 +2। तो -3 तो कभी हो ही नहीं सकती क्योंकि एल की वैल्यू जो होती है -L2 +L होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर जो कि इम्पॉसिबल रीअरेंजमेंट है। अब बढ़ते हैं 138, इनमें से बफर सॉल्यूशन कौन सा था। बफर सॉल्यूशन आपका क्या होता है, वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ वीक एसिड। तो ये हो गया CH3COOH इनटू कंजुगेट बेस ऑफ बेसिकली वीक एसिड, तो CH3COOH। अब बढ़ते हैं 139, एंजाइम यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एथेनॉल। तो वो जाइमेज एंजाइम हम यूज करते हैं क्योंकि इनवर्टेज तो सुक्रोज के लिए होता है, एमाइलेज आपका स्टार्च के लिए होता है, एंड ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स के लिए होता है। अब बढ़ते हैं 140, कंपाउंड एक्स इज पोटेंट वैसो डायलेटर, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नेजल कंजेशन एसोसिएटेड विद कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक रिस्पॉन्सेज टू पोलन। एक्स वुड बी एस होता है, ये हिस्टामिन है जो कि एलर्जिक होता है। अब हमें पूछा था कि कंपाउंड जिसको कॉम्प्लेक्स मेथड से हम किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो बेसिकली हम AgCu, Ag मतलब चांदी एंड सोना, लाइक Ag को एंड सिल्वर को एंड ओरल को इकट्ठा करते हैं। होता क्या है कि जैसे ये Ag जो होती है वो Cn के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती है, AgCn2 की नेगेटिव। अब इसको हम फिर जिंक से रिप्लेस करते हैं क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Ag, तो जिंक Ag को रिप्लेस कर देती है एंड Zn(CN)4-2 कॉम्प्लेक्स बना के और हमें हमारी Ag चांदी मिल जाती है, तो ये सिल्वर। 142 क्वेश्चन, ये थी आपकी क्लेमेंसन रिडक्शन, ZnHgHCl में CO किस में चेंज हो जाता है, CH2 में। तो CO किस में चेंज हो रहा है, CH2 में, ZnHCl में CH3CH2CH2COOH। तो ये थे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब बढ़ते हैं, इन द फॉलोइंग रिएक्शन A+B+ गिव्स टू सी। तो आपको पूछा था, ये बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कंफ्यूजिंग था, लेकिन आपको आप पेशेंस रखते हुए करते तो इजी आंसर निकल जाता। ए बी सी और आपको फाइनल कंसंट्रेशन सी देखिए। तो बेसिकली आपको सबसे पहले रेट फाइंड आउट करनी है, रेट आपका क्या होता है, डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी, डेल्टा सी मतलब प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन। तो डेल्टा सी देखिए, इसके लिए 0 0 है तो 33/25 कर दीजिए, तो आपकी डेल्टा सी डिवाइडेड बाई, तो फर्स्ट में आपकी जो मैं सबकी रेट लिख रही हूँ आपको कैलकुलेट करके, 33/25 1.32। तो यहाँ पे हम रेट लिख रहे हैं 1.32। एंड 39/15, तो आपकी रेट आ गई 2.6, ठीक है। एंड थर्ड में आ गई 77/7.5, 7.5, तो रेट आ गई थी 10.26, 10.26। तो आपको अप्रोक्सीमेशन देखना है, देखिए ए कांस्टेंट है 10 to 10, बी को अगर आप डबल कर रहे हैं 5 × 10, तो सी जो है मतलब डेल्टा सी और रेट जो है आपकी 1.32 × 2.6 लगभग डबल हो रही है, ठीक है। तो ये भी डबल हो रही है, ये भी डबल, तो 2 to सेम, तो बी की कंसंट्रेशन पे तो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो बी, अब देखिए अगर आप ए को डबल कर रहे हैं 10 × 20, 2 डबल कर रहे हैं, तो बी ये जो है सी रेट जो है आपकी 2.6 × 10.26, तो आपकी 4 गुना रेट हो रही है, ठीक है। 2.6 × अगर आप देखें तो 2.6, ये आपकी 4 गुना रेट हो रही है, तो ए की आपकी 2 की पावर 2 मतलब कि स्क्वेयर पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो था वो करेक्ट आंसर था। अब बढ़ते हैं 144 क्वेश्चन पे। 144 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपको देखिए आपको पूछ रखा था कि SN पे ये क्या चार्ज है,
आपको ये SN में डिपॉजिट हो जाता है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम निकालेंगे हमारा टोटल कूलाम्ब कितना आ रहा है, मतलब क्यू कितना आ रहा है। क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। आई है 2 एम्पियर, 5 आवर्स को हम 60 इंटू 60 सेकेंड में चेंज कर रहे हैं, तो ये आ गया आपका 5 दूनी 10, छिकमी को 36 हजार कूलाम्ब। अब आप देखिए 36 हजार कूलाम्ब में, मतलब कि चूंकि, इसलिए कहिए चूंकि 36 हजार, सॉरी पहले आप मोल निकाल लिए। मोल बराबर आपका क्या आ गया, मोल आ गया 22.2 डिवाइडेड बाय 118.7। ठीक है, तो अब आप यहाँ से ऐड करिए, चूंकि इसलिए क्योंकि 22.2 डिवाइडेड बाय 118.7 मोल जो है वो डिपॉजिट होते हैं, कितने मोल डिपॉजिट होते हैं, कितने कुलाम्ब से, 36 हजार कुलाम्ब से। तो 1 मोल, ये 1 मोल SN है ना, तो 1 मोल SN डिपॉजिट होगा आपका 36 हजार डिवाइडेड बाय 22.2 इंटू 118, मतलब डिवाइड में आएगा तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई 118.7, तो ये आपका आ गया 36 हजार डिवाइडेड बाय 22.2, फिर ये आ गया 1 इंटू 118.7। तो जब आपने सोल्व किया तो ये आपका कूलाम्ब जो है वो आ गए 192,486.486। अब आप इसको मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज करेंगे तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में होते हैं 96,500 कूलाम्ब। कूलाम्ब से कूलाम्ब कर जाएंगे, 1 मोल में हम चेंज करें, जब आप 96,500 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज करेंगे तो 1.99, लगभग 2 मोल इलेक्ट्रॉन। अब बढ़ते हैं 145 क्वेश्चन में। द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी। तो देखिए ए आपका दिखाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एंड बी जो वान डेर वाल्स कांस्टेंट होता है वो आपका दिखाता है वॉइड वॉल्यूम, मतलब एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मोल्स, ठीक है। तो ए जो है वो हमें पता है लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, क्योंकि H2O में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है, तो ए जो है वो H2O का हाई होगा और O2, सॉरी H2O का हाई होगा, O2 का लो। और जो बी होगा वो क्या होता है, वॉइड वॉल्यूम, वॉइड वॉल्यूम जो होता है वो बी इसका H2O का आपका मतलब वो दिखाता है एक्स्ट्रा वॉल्यूम। एंड O2 क्या है, गैस है, तो गैस के लिए वॉल्यूम, गैस ऑक्यूपाइड मोर वॉल्यूम देन लिक्विड, ये H2O का है लिक्विड, तो O2 के लिए B ज्यादा होगा, मतलब A इज लार्जर बट B इज स्मॉलर फॉर H2O देन फॉर O2। तो B स्मॉलर क्यों होता है, क्योंकि वो लिक्विड है, लिक्विड गैस की अपेक्षाकृत कम वॉल्यूम घेरते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। अब है 146 पे, 146 आपको दे रखा है ए प्लस बी गिव्स टू सी प्लस डी। तो अगर यदि ए को डबल किया जाता है तो क्या होती है, हमारी रेट डबल हो जाती है, बट रेट क्वाड्रपल हो जाती है अगर बी को डबल किया जाता है। तो बेसिकली ये रिएक्शन कभी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि एक स्टेप में तो कंप्लीट होगी नहीं ये रिएक्शन। आपको पूछ रखा था कि आप मतलब बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड को RCOCl, मतलब RCH2COCl एसिटिल क्लोराइड में बनने के लिए कौन सा, PCl5 भी हम यूज़ करते हैं, PCl3 भी यूज़ करते हैं, थायलिन क्लोराइड भी यूज़ करते हैं, बट सल्फ्यूरिक क्लोराइड नहीं यूज़ करते। 148 फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन पूछा था बेंजीन रिंग का, तो ये भी पॉसिबल है, कौन सा हमें ये प्रोडक्ट नहीं देंगे, तो ये भी पॉसिबल है, ये रिएक्शन भी पॉसिबल है, CH3CH3 इस रिएक्शन में भी पॉसिबल है, दिस इज द फ्राइज रीअरेंजमेंट। बट इस फोर्थ ऑप्शन इज वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें हमें आइसोप्रोपिल बेंजीन मिलेगा, क्योंकि फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, CH3CH2CH2 पॉजिटिव। अब ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में अरेंजमेंट हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन अरेंज हो जाएगा, तो हमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिल जाएगा और वो फिर हमारा बेंजीन से जुड़ेगा और हमें आइसोप्रोपिल बेंजीन मिलेगी, ना कि प्रोपिल बेंजीन। तो फोर्थ जो था वो इसमें सही ऑप्शन था। 149
अब आपसे पूछा गया है न्यू वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको रिएक्शन दे रखी थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा था, तो देखिए आप देखिए ये रिएक्शन क्या है, रिवर्स है, तो के डैश जो नया रिएक्शन होगा वो एक तो रिवर्स है, तो 1/k हो गया पहले का, फिर दूसरा क्या है, हाफ है, 2NO2 है, ये हाफ है, तो हाफ का मैंने बताया था कि जो भी रिएक्शन हो अगर हाफ है तो की पावर 1/2, मतलब अंडर रूट की पावर 1/2 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो स्क्वेयर हो जाता है, ये क्या आ गया 1/√k, तो मतलब कि 1/√100, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली वह क्या आ गया 0.01 की पावर 1/2, मतलब 10 की पावर -2 की पावर 1/2, 2 से 2 कट गया, 10 की पावर -1 मतलब 0.10। अब बढ़ते हैं 150 आज का लास्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो स्कैंडियम जो है उसमें ओनली 3d1 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि एक निकल जाता है, तो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है, तो ये था 150। तो ये तो थे आज के 40 क्वेश्चन केवीएस एग्जाम का रिव्यू, मेरी माने तो एग्जाम जो था वो मॉडरेट टू टफ था, जो टोटल कट ऑफ जानी चाहिए मेरा ये अंदाजा है, वैसे मेरा अंदाजा सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो 92 100 105 के बीच में कट ऑफ जानी चाहिए, एंड क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल पेपर वन भी ऐड आपका करता है, तो आई डोंट नो पेपर वन का मैं रिव्यू ढंग से दे पाऊँ या नहीं दे पाऊँ, लेकिन हाँ केमिस्ट्री का रिव्यू अच्छे से दे सकते। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन मैंने अभी 40 प्रीवियस वीडियो में ऐड किए थे उनमें 2 या 3 क्वेश्चन में मतलब डाउट था। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन CuSO4.5H2O में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा था, दैट वाज माय मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। यस उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनेगा CuH2O की, क्योंकि कॉपर जो हमेशा है 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो CuH2O4 SO4 माइन SO4.H2O कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो SP2 डिहाइब्रिडाइजेशन होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4। तो वो एक क्वेश्चन मैंने बताया था 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो वो मेरा देखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। एक था हाइड्रोजन की आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपसे हीलियम की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछी थी, देखिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दैट वाज आल्सो माय मिस्टेक, जो होती है वो जेड आयनाइजेशन एंथैल्पी जेड पे भी डिपेंड करती है, तो 13.6 को आप जेड स्क्वायर से करेंगे तो हीलियम का होता है 2, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54.4 करेक्ट आंसर आना चाहिए था। तो ये 2 क्वेश्चन जो थे वो मैंने रॉन्गली मतलब एक्सप्लेन करे आपको, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ, तो वो मैंने आज के कर दिया। आज के जो मैंने 40 क्वेश्चन आपको रिव्यू करे हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया था। एक और क्वेश्चन हाँ मैं बता दूँ, तो जो बेसिसिटी का डाउट था नहीं, उसका सही ऑप्शन सही मैंने बताया है, एनालाइड इज बिगेस्ट बेस देन पायरोल, क्योंकि एनालाइड में कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मतलब जो लोन पेयर है वो बहुत ज्यादा रेजोनेंस में चला जाएगा, CO के साथ भी, बेंजीन रिंग के साथ भी, तो वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, जबकि पायरोल में सिर्फ और सिर्फ रिंग में जाता है और बहुत कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, इसलिए पायरोल जो है वो एनालाइड से मतलब बेसिक नहीं है पायरोल भी, लेकिन एनालाइड से स्ट्रॉन्ग बेस है, बट एनालाइड एसिटा एनालाइड इज वीकेस्ट बेस उन चारों में से। तो ये 3 क्वेश्चन मुझे बताने थे, अब आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइएगा अगर आज के कोई क्वेश्चन में मैंने आपको रॉन्गली आंसर किया है, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा अब मुझे कि आप नेक्स्ट और मुझसे क्या केमिस्ट्री का टॉपिक करने चाहते हैं। तो मिलते हैं, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।